वेलकम बच्चों, वेलकम टू अनलॉक साइंस। मैं आपका केमिस्ट्री एक्सपर्ट कमलेश यादव क्लास टेंथ का लेक्चर 2 लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, आप मेरा लेक्चर 1 जरूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी चेंज केमिकल रिएक्शन है या नहीं, उसमें मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ गैस ड्यूरिंग रिएक्शन, कलर चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन, हीट चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन, ये सब चीज़ें मैंने वहाँ पर डिस्कस की हैं। अगर आप वो लेक्चर देखेंगे तो आपको इस लेक्चर को रिलेट करने में, इसको समझने में बहुत आसानी होगी। आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में क्या रिलेशन है, व्हाट आर दीज टू टर्म्स। आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने एक केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है बेटा, जिसमें मीथेन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके हमें दो प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये जो दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, वी कॉल देम व्हाट, रिएक्टेंट्स। और इनसे जो न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं आफ्टर केमिकल चेंज, व्हाट वी कॉल देम, प्रोडक्ट्स। तो अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन को जर्नली रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, दैट इज रिएक्टेंट्स गिव्स प्रोडक्ट्स, दिस इज द जर्नल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। बच्चों, जब हम इस केमिकल रिएक्शन को इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो कंपाउंड्स हैं उनके फॉर्मूला की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे तो उसी को हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स एंड द सिंबल ऑफ एटम्स इन द गिवन रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, केमिकल इक्वेशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने मीथेन का फॉर्मूला यहां पे क्या लिखा, CH4 हमें मालूम होता है, ऑक्सीजन वी रिप्रेजेंट एज O2, तो हमने मीथेन और ऑक्सीजन को उनके फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया। इनसे जो दो प्रोडक्ट बने इनको भी फॉर्मूला के फॉर्म से रिप्रेजेंट कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 एंड वाटर वी नो H2O। ये जो फॉर्मेट है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस रिएक्शन विद हेल्प ऑफ फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स विच आर गिवन एज रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। बच्चों, मैंने एक केमिकल इक्वेशन इसके नीचे भी लिखी है, जब इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे थोड़ा आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। जैसे आप यहां पे देख रहे हैं, मैंने हर फॉर्मूला के बाद कुछ एब्रीविएशंस लिखे हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सोडियम के आगे मैंने स्मॉल s लिखा है, वाटर के आगे l, NaOH के आगे AQ, NH2 के आगे G लिखा है। ये जो एब्रीविएशंस मैंने लिखे हैं, दे शो द फिजिकल स्टेट ऑफ द डिफरेंट कंपाउंड्स विच आर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। यानी कि सोडियम इज टेकन इन सॉलिड स्टेट विच इज रिएक्टिंग विद वाटर, एंड वाटर वी हैव टेकन इन लिक्विड स्टेट। व्हेन दे रिएक्ट्स दे विल गिव टू प्रोडक्ट। AQ रिप्रेजेंट्स एक्वस, मीन्स दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, मीन्स इट इज नॉट हेट्रोजीनियस। आपने 9th में होमोजीनियस और होमो हेट्रोजीनियस मिक्सचर पढ़ा है, जब एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट में यूनिफॉर्मली डिजॉल्व हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन, और ये NaOH पानी में डिजॉल्व्ड है, इसीलिए इसको हम कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। एंड G सिग्निफाइज दैट दिस हाइड्रोजन इज इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो जब हम कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो हमें कुछ बेसिक चीजें उसमें जरूर लिखनी चाहिए, तो ही उसको हम उस रिएक्शन का करेक्ट केमिकल इक्वेशन कहेंगे। जैसे अभी इन दोनों को फिर से हम एक बार कंपेयर करें तो इसमें किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट मेंशन नहीं है, यानी कि दिस इक्वेशन इज नॉट गिविंग यू कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस रिएक्शन। दूसरी चीज कंपेयर करते हैं, आप देखिए इधर इसमें कार्बन के एटम 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, बट दिस साइड ऑक्सीजन 2 एटम्स है एंड दिस साइड वी हैव 3 ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स आर नॉट इक्वल ऑन आइदर साइड। दिस साइड हाइड्रोजन वी हैव 4 एटम्स एंड हेयर वी हैव ओनली 2 एटम्स, मीन्स हाइड्रोजन एटम्स आर ऑल्सो नॉट इक्वल ऑन आइदर साइड।
इफ द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ इक्वेशन ऑन आइदर साइड आर नॉट इक्वल, यानी कि रिएक्टेंट साइड में जितने भी एलिमेंट हैं और जो प्रोडक्ट में एलिमेंट हैं उनके एटम्स दोनों तरफ अगर बराबर नहीं हैं तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये अनबैलेंस्ड है। अब अगर आप इसको देखें तो दिस साइड वी हैव सोडियम एटम्स 2, दिस साइड ऑल्सो सोडियम इज 2, दिस साइड वी हैव हाइड्रोजन 4, दिस साइड ऑल्सो वी हैव हाइड्रोजन 4, दिस साइड वी हैव ऑक्सीजन 2, दिस साइड ऑक्सीजन इज 2। यानी कि इस रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एटम दोनों तरफ एग्जैक्टली सेम है। तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज नोन एज बैलेंस्ड इक्वेशन। इसको क्या बोलेंगे बेटा हम? बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये जो केमिकल इक्वेशंस हम लिखते हैं किसी भी रिएक्शन की, ये दो तरीके की हो सकती है, अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड में दोनों तरफ डिफरेंट एटम्स के एलिमेंट्स के एटम बराबर नहीं होते, और बैलेंस्ड में एग्जैक्टली सेम होते हैं दोनों साइड। अब हम बात करते हैं कि इस केमिकल इक्वेशन से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली। पहली कि ये तो बैलेंस्ड है, यानी कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उसके बाद कितने मॉलिक्यूल्स किस प्रोडक्ट के मिल रहे बने हैं उसकी भी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। कौन सा रिएक्टेंट किस फिजिकल स्टेट में पार्टिसिपेट कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। उससे जो बनने वाले प्रोडक्ट है उनकी क्या फिजिकल स्टेट है इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसलिए हमें केमिकल रिएक्शन को अगर सही तरीके से केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है तो इट शुड बी बैलेंस्ड एंड ऑल्सो हैविंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें हीट चेंज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और उसको भी हमें उसकी करेक्ट केमिकल इक्वेशन में मेंशन करना चाहिए, इट इज मैंडेटरी। तो अब हम हीट का चेंज इसमें मेंशन करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि वो रिएक्शन जिसमें हीट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हीट के अकॉर्डिंग हम रिएक्शंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। पहला एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो मींस निकालना, एग्जिट होना, थर्मिक, थर्म मींस हीट। तो वो केमिकल रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट बनाते हैं उसके साथ हीट निकल जाती है, इवॉल्व होती है या रिलीज होती है, उन सभी केमिकल रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और अगर जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं उसके लिए वो बाहर से हीट एब्जॉर्ब करते हैं, दे रिक्वायर हीट, तो उनको हम कहते हैं एंडो मींस लेना, क्या थर्म मींस हीट। इफ दे एब्जॉर्ब हीट फॉर द रिएक्शन टू गिव प्रोडक्ट तो दोज रिएक्शंस वी कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। जैसे कि जब कार्बन को हम ऑक्सीजन गैस के साथ बर्न करते हैं बच्चों, when we burn carbon with oxygen then it will give you carbon dioxide gas, इसमें heat release होती है। और जब हम carbon को sulfur gas के साथ react कराते हैं तो इसमें heat absorb होती है। तो हमें ये जो chemical reaction में heat release हो रही है या absorb हो रही है उसको भी mention करना चाहिए, तो ही हम कहेंगे कि वो केमिकल इक्वेशन इस रिएक्शन को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है। आइए हम दिखाते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों देखिए इसमें हीट रिलीज हुई है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस इक्वेशन के साथ। जब भी हमें किसी भी एक्सोथर्मिक इक्वेशन को लिखना होगा तो हम उसके एटम्स देखेंगे कि दोनों तरफ इक्वल हों, हर एलिमेंट और मॉलिक्यूल का फिजिकल स्टेट मेंशन करेंगे और साथ में हीट भी मेंशन करेंगे। ये डेल्टा एच क्या दिखाता है? चेंज इन हीट। ये जो चेंज इन हीट है वो किस फॉर्म में है? हीट रिलीज हुई, रिलीज मींस लॉस हुआ हीट का। तो दिस माइनस साइन इज शोइंग, ये अगर कहीं पर मैं ये ना बताऊं कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ये इक्वेशन लिखी और ये वैल्यू लिखी हो, तो ये माइनस देख के आप कह देंगे कि इसमें हीट रिलीज हुई और ये इक्वेशन कैसी हो गई? एक्सोथर्मिक।
ऐसे ही इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि यहां हीट लिखा है प्लस में। अगर मैं आपको पहले से ना बताऊं कि इक्वेशन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक, तो आप ये हीट चेंज की वैल्यू देख के, क्योंकि ये प्लस है, प्लस मतलब ऐड हुई, यानी कि इन दो रिएक्टेंट से जो ये प्रोडक्ट बना उसमें 92 किलो जूल पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। वो कैसे शो करेंगे? प्लस से। प्लस मींस इतनी हीट इसमें एब्जॉर्ब हुई, माइनस मींस इसमें इतनी हीट रिलीज हुई। तो ये वैल्यू चेक करके ही हम देख के बता देंगे कि कौन सी इक्वेशन एक्सोथर्मिक है और कौन सी इक्वेशन एंडोथर्मिक है। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन में हमें हर मॉलिक्यूल और एटम का फिजिकल स्टेट मेंशन करना है, उसको बैलेंस्ड फॉर्म में लिखना है, उसमें हीट मेंशन करनी है विद प्रॉपर साइन, जिससे हम ये बता सकें कि ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। और अब हम आपको आगे एक और इंफॉर्मेशन बताएंगे, जो कि हमें वो भी एक सही तरीके से केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए मेंशन करना जरूरी है। जैसे कि यहां पर अगर आप देखें तो नाइट्रोजन गैस की रिएक्शन हाइड्रोजन गैस से होगी, और यहां पर हमें कुछ टेम्परेचर चाहिए, वो टेम्परेचर है 450 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर है 200 से लेकर 900 एटीएम तक, और उसके साथ इसमें एक सूटेबल कैटलिस्ट भी चाहिए। उसके बाद हमको एक प्रोडक्ट मिला है अमोनिया गैस। अब आप देख रहे हैं कि मैंने इसके एरो पर टेम्परेचर मेंशन किया है, प्रेशर मेंशन किया और नीचे लिखा है कैटलिस्ट। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस जब रिएक्ट करती है और उससे अमोनिया गैस बनती है, तो उसके लिए हमें इन कंडीशंस की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो इफ सर्टेन रिएक्टेंट्स आर रिएक्टिंग अंडर सर्टेन कंडीशंस, तो व्हेन यू आर राइटिंग द करेक्ट इक्वेशन यू हैव टू मेंशन दोज कंडीशंस प्रॉपरली। जैसे कि इस रिएक्शन में जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है बच्चों, वो होता है आयरन बेस्ड ओवर मॉलीबेडनम, जिसमें आयरन कैटलिस्ट है और मॉलीबेडनम कैटलिटिक प्रमोटर है। ये कैटलिटिक प्रमोटर क्या होता है, इसको आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अब आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें हमने सभी एटम्स का फॉर्मूला लिखा है, इसको बैलेंस्ड मैनर में लिखा है, इसमें हर कंपाउंड की फिजिकल स्टेट मेंशन है, रिएक्शन में कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल हुआ वो मेंशन है, उसके लिए क्या कंडीशंस हैं वो मेंशन है। तो दिस इज अ करेक्ट कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों, मैंने आपको बताया कि आज हम किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस को केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और उस केमिकल इक्वेशन से क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें उस केमिकल रिएक्शन के बारे में मिलती है। उम्मीद है आज आपको केमिकल इक्वेशन क्या है ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि मेरे और मेरी टीम के सभी लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिले। हमारी वेबसाइट www.unlockscience.in पर जरूर विजिट करें और हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। अगले लेक्चर में आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सिखाने वाला हूं, हाउ टू राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन हमें अनबैलेंस दी है तो उसे हम बैलेंस कैसे करेंगे, उसको भी हम बताएंगे और उसमें ट्रिक्स भी बताएंगे जिससे आप आसानी से कर सकें। थैंक यू।